तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं सभी कार्यकर्ताओं से। आप तस्वीरें देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी जो कार्यकर्ता सुबह से ही डटे हुए थे उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और उसके बाद बाहर की मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां की सभी कार्यकर्ता सुबह से ही जो है नारेबाजी विरोध प्रदर्शन ईडी के खिलाफ किया जा रहा था, और वह बाहर निकल के सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात के 8:30 बज चुके हैं, 1 बजे जो है ईडी की टीम जो है पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास, और लगभग आप कह सकते हैं कि 7.5 घंटे तक की लंबी पूछताछ, और ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे सवाल जो है ईडी की ओर से लाया गया था, और सभी सवालों का जवाब एक एक करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लिया गया है। और अब जो है बाहर ईडी की टीम इसी जो गाड़ी जो आप दोपहर को देखे थे, सभी गाड़ियां जो स्कॉर्पियो है आप देखिए कि 4-5 स्कॉर्पियो है, 3 आगे लगी हुई है और 2 आप पीछे देख रहे हैं, 1 आगे बोलेरो है और बाकी 4 जो है स्कॉर्पियो देख रहे हैं। और आप देखिए कि बाहर की ओर जो है यह गाड़ियां निकल रही है मुख्यमंत्री आवास से बाहर, ईडी की टीम पूछताछ करके बाहर निकलती हुई इनोवा गाड़ी जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, भारत सरकार लिखी हुई है उसमें, और ये अधिकारी जो है ईडी के आपको इस गाड़ी में दिखेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि दिल्ली से भी जो है अधिकारी आए हुए थे, और 5 गाड़ी आप देखिए किस तरीके से जो है सीआईएसएफ की सेंट्रल की जो फोर्स है वह है, और आगे आप देखिए कि यही वह गाड़ी है व्हाइट कलर की, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, देखिए इनोवा गाड़ी 9036 जो दिल्ली की गाड़ी है भारत सरकार की, और वह उसमें जो है आप देख रहे हैं ईडी के अधिकारी बैठकर जो है यहाँ से पूछताछ कर जाते हुए। आप देखिए कि एक इनोवा पीछे भी आप देखिए कि इस कलर की 2 इनोवा देखिए आप किस तरीके से जो है लगी हुई थी, और यहाँ से देखिए गाड़ी घुमाकर जो है इस ओर से जा रही है। लगभग 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद जो है सभी गाड़ियाँ जो है अब यहाँ से पूछताछ कर जाते हुए, और देखिए सीआईएसएफ के जो है सामने आप देखेंगे कैमरा लगा हुआ था उनके जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उस जैकेट के जो है ऊपर सीआईएसएफ के जो जवान है वह जो है कैमरा लगा कर यहाँ पहुँचे थे, और तमाम जो ये पूरी देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला जो आप देख रहे हैं, ये सभी गाड़ियों का काफिला ईडी की जो है गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, जिसमें कि तमाम सीआईएसएफ सेंट्रल फोर्स और उसके साथ साथ सभी अधिकारियों, और देखिए कितनी सारी जो है वह सभी गाड़ियों देखिए कि ये मुख्यमंत्री आवास से बाहर की ओर निकली है पूछताछ करके, और ये देखिए लगभग 10 से 15 गाड़ी जो है यहाँ से जो है पूछताछ कर जो है बाहर निकली है मुख्यमंत्री आवास से। तो ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें दिखाया कि जहाँ से मुख्यमंत्री से पूछताछ कर जो है अब यह बाहर निकल चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से कई सारे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है 7.5 घंटे का वक्त जो है करीब 7.5 घंटे ईडी ने मुख्यमंत्री से जमीन मामले में पूछताछ की है। इस दौरान काफ़ी गहमागहमी रही, सीएम हाउस के सामने पत्रकार भी जमे थे, और दोनों साइड सीएम हाउस के दोनों गेट के आसपास में झामुमो के कार्यकर्ता भी सुबह से जमे हुए थे, अभी भी झामुमो के कार्यकर्ता हैं। लंबी पूछताछ के बाद ईडी की टीम अभी निकली है, थोड़ी देर में ये साफ हो पाएगा किस किस बिंदु पर किस किस मामले पर ईडी ने बात की है सीएम से। तो ऐसी तो अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सत्या मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाए तो वो अब नहीं, वो वैसे अभी कुछ कोई बात नहीं दिख रही है, जो भी होगा मुझे लगता है डर लग रहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़ी देर बाद मुझे लगता है सब कुछ साफ हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे साथ सत्यासरन जो कि सुबह से ही जो है सभी खबरों पर नज़र बनाए हुए थे हमारे सहयोगी, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब आगे आने वाले कुछ घंटों में तय हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री लगभग हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जो संवाददाता प्रवीण हैं उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रवीण क्या कहेगा, लगभग 7.5 घंटे की पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गई? 7.5 घंटे पूछताछ की गई, आगे भी पूछताछ किए जाने की संभावना है। वहीं आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि जेएमएम कार्यकर्ता जब ईडी की टीम निकली है उसके बाद जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता वहां पे जमा हुए हैं, और वो अब ईडी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा भी उनके हाथों में है। है तो डर सता रही थी उनके अंदर से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो तो नहीं हुआ यार। नहीं, गिरफ्तारी की कोई मामला नहीं थी, ये पूछताछ का मामला था, क्योंकि काफ़ी पहले से ये पूछताछ का प्रक्रिया चल रहा था, समय लेन देन का मामला भी चल रहा था,
तो गिरफ्तारी की बात तो मेरे हिसाब से नहीं थी। जिस मामले में पूछताछ हो रही थी, ईडी करने के लिए आई थी, ईडी ने अपना पूछताछ किया और संभवतः अगर इस पूछताछ से संतुष्ट हो गई होगी ईडी तो आगे की पूछताछ रुकेगी, अन्यथा ईडी फिर से सीएम को सम्मन कर सकता है, फिर से पूछताछ कर सकती है। या फिर अभी तक ये सूचना नहीं सामने आ पाई है कि कल भी पूछताछ होगी या फिर पूछताछ आज अभी के लिए यहीं तक है। तो क्या मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे बाहर कार्यकर्ताओं को? ऐसा लग रहा है कि बाहर निकले, क्योंकि सभी विधायक मंत्री भी दूसरे वाले आवास में, मुख्यमंत्री आवास में डटे हुए हैं। डटे हुए हैं, झारखंड वरीय नेता, पार्टी के वरीय नेता जमे हुए हैं, गठबंधन के नेता भी वहाँ पे मौजूद है, मंत्रिमंडल सहयोगी भी, सीएम के मंत्रिमंडल सहयोगी भी मौजूद हैं। तो सीएम स्वाभाविक है कि वहाँ पे जाएंगे, अपने साथियों से बातचीत करेंगे, अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे और अपनी बात वहाँ पे रखेंगे।